हेलो डियर स्टूडेंट्स, HP ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रश्न पेपर 2022-23 सितंबर पूरक अवसर परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कक्षा 12वीं का हिंदी का प्रश्न पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के हिंदी अंग्रेजी अपलोड हो चुके हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बेस्ट तैयारी के लिए यदि आपको परीक्षा में एक ही अवसर में उत्तीर्ण होना है, पास होना है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। भले इसमें से कम क्वेश्चन फंसे, जितने भी क्वेश्चन फंसे, लेकिन वीडियो इसलिए देखेंगे, इससे आपको लिखने का आइडिया आएगा, प्रश्नोत्तर कैसे याद करना है उसका आइडिया आएगा, है ना। आप लोग सिर्फ प्रश्नोत्तर लेते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर लेने से क्या मिलेगा यदि आप उसको समझेंगे नहीं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, मैं इसको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ, याद भी हो जाएगा आपको प्रश्नोत्तर। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए, है ना। पहला प्रश्न है, सारस रस कवि का क्या तात्पर्य है सार रस से। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है भक्ति रस, चारों में से एक ऑप्शन। होत होत ही होय में कौन सा अलंकार है। तो होत होत में ह अक्षर रिपीट हुआ है। जब एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखिए, ठूठ का पेड़ प्रतीक है जड़ता का, ठीक है। लेखक को शिवालिक की पहाड़ियों पर क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर लेखक को शिवालिक की पढ़ाई पर ठिकने शानदार वृक्ष दिखाई देते हैं। कन्याकुमारी भारत के मानचित्र में किस ओर स्थित है। तो ये दक्षिण में स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, मेरे को टिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा आंसर रेड कलर में लिखा हुआ है। कठपुतली व्यक्तित्व का प्रतीक है स्वाधीन पराधीन, तो यहाँ पर पराधीन आएगा। क्रोध का अचार या मुरब्बा है ईर्ष्या बैर, तो बैर आएगा। भाव पल्लवन का संक्षेपण क्या होता है, विलोम। पीड़िया और गिट्टिया पाठ के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। रीतिकाल के काव्य में ऋषिंगार रस की प्रधानता होती है। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य सत्य लिखिए। तो रहीम और बड़ के श्लेष से दीपक और कपूत की तुलना की गई है। तो पहला कथन सत्य है, ठीक है। अपने विचारों को कहानी या घटना के माध्यम से पुष्टि करना कहना वर्णनात्मक शैली का लक्ष्य होता है, ये भी कथन सत्य है। अनुराधा को अपने पति के रोग का कारण ज्ञात था, ये भी सत्य है। कहावतें लोकोक्तियाँ या सुक्तियाँ गागर में सागर के समान होती है, सत्य है। लोहार अपने औजारों को इधर उधर देखकर बहुत आनंदित हुआ, सत्य है। दिए गए स्तंभ में विचार कर उचित संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मीराबाई माधुर्ययुक्त के कवि है। अधिनायकता दूसरों पर शासन करना होता है। आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का लेख का नाम है कुरुक्षेत्र। ऋतुराज के लेख का नाम है बसंत। अब दो नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपका। आंसुओं को आंखों से बाहर क्यों नहीं करना चाहिए। आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे मन की व्यथा प्रकट हो जाती है, है ना। अब आप अपने तरीके से कैसे लिखेंगे, है ना। आंखों से आंसू इसलिए नहीं बहाना चाहिए क्योंकि इससे मन का जो पीड़ा है, दुख दर्द है, वो सामने वाले को पता चल जाता है, उसको ज्ञात हो जाता है कि इसको कोई परेशानी है, है ना। परिवार के गुप्त रहस्य जो होते हैं हम दूसरे को बता देते हैं, अपनी पीड़ा को बता देते हैं, इसलिए आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, अपने मन की बात को मन में ही रखना चाहिए। निबंध किसे कहते हैं, दो निबंधकार के नाम लिखिए। तो निबंध का अर्थ होता है बिना बंधन का, यानी इसमें जिसमें कोई बंधन ना हो आप लिखते रहिए, है ना। इसमें छंदों का वर्णन नहीं होता है, लिखते समय सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दिया जाता है और अन्य बातों पर, व्याकरण खंड पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, तब इसको हम निबंध कहते हैं। क्रोध करने से क्या हानि होती है, तो क्रोध करने से मन की शांति भंग होती है, है ना। हमारा दिमाग जो है बिगड़ जाता है और हम इधर उधर की फालतू बातों को सोचते हैं। वहाँ तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, तो अब तोड़ती पत्थर कवि में कवि ने श्रमिक महिला का वर्णन किया है। अनुराधा ने शहर जाकर नौकरी के बारे में क्या सोचा, अनुराधा ने सुरक्षित व्यवस्था
भविष्य और आर्थिक बचत करने के लिए शहर में जाकर नौकरी करने के लिए सोचा। आदिकाल की तीन विशेषता लिखना है कवि के नाम, तो आदिकाल की तीन विशेषता है देखिए, दरबारी भाट चरण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं को का वर्णन करते थे, उसके युद्धों का वर्णन करते थे, है ना, इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है, वीर तथा श्रृंगार रस में वर्णन किया गया है। राघव सरकार रिक्शे पर क्यों नहीं बैठना चाहते, इसलिए क्योंकि वे दूसरे के रिक्शे में इसलिए नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वो दूसरे से मेहनत नहीं करवाना चाहता था, है ना, कोई मुझे बैठा कर मुझे खींच कर ले जाइए वो नहीं चाहता था। संस्मरण की चार विशेषता, तो संस्मरण की चार विशेषता निम्नलिखित है, उचित प्रकार से किसी व्यक्ति अथवा स्थान का स्मरण करना ही संस्मरण है। संस्मरण में आत्मीयता का होना विशिष्ट गुण है। संस्मरण विधा अतीत से जुड़ा हुआ विधा है। लेखक ने आखिरी चट्टान किसे कहा है, तो लेखक ने आखिरी चट्टान कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद शिला को कहा है। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, तो कहानी में घटित वर्णनाओं का संक्षिप्त वर्णन होता है जबकि उपन्यास में बृहद वर्णन होता है, यानी कहानी छोटा होता है और उपन्यास बहुत दीर्घ बड़ा होता है। ठीक है, कहानी में मात्र किसी जीवन का एक घटना का वर्णन होता है जबकि उपन्यास में शुरू से लेकर अंत तक यानी जीवन से लेकर मृत्यु तक का पात्र का वर्णन होता है। रहीम ने किस तरह के मनुष्य को धन्य कहा है, रहीम के अनुसार वे मनुष्य धन्य के पात्र होते हैं जो परोपकार में लगे होते हैं, ऐसा करने से दूसरे के दुख भी दूर करते हैं, यानी हमको दूसरे पर परोपकार करना चाहिए, दूसरों का मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को उन्होंने धन्य कहा है। बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो ठूठ का पेड़ जो है जड़ता और निर्जीवता का द्योतक होता है जबकि और हरे भरे जो पेड़ होते हैं बहुत लचीले होते हैं, और मनुष्य को जो है हरे भरे पेड़ की तरह होना चाहिए, है ना। ठीक है, सीधा साधा होना चाहिए, जीवन में किसी दूसरे का काम आने वाला होना चाहिए। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा स्पष्ट कीजिए, तो बिहारी ने अपने गागर में सागर भरा है क्योंकि उसके जो प्रत्येक पद है उसमें एक विशिष्ट अर्थ होता है ना। दोहों के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण बातों का वर्णन किया है, व्यापक रूप से वर्णन किया है, यानी व्यापक रूप से वर्णन करने को ही गागर में सागर भरना कहते हैं। ठीक, शिक्षा और साक्षरता के प्रसार के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो पढ़ने लिखने की सामग्री सस्ती हो, कागज सुलभ व सस्ता हो, मुद्रण और लेखन सामग्री सस्ती हो, शिक्षा संस्थानों में कम शुल्क लिया जाए, ये सभी को लिखना है। पीढ़िया और गिट्टिया पाठ के आधार पर वृद्धों और युवकों की मानसिकता पर स्पष्ट कीजिए, तो वृद्ध जिन सड़कों पर चले, जिन लोगों को उन्होंने भोगा है, जिन झंडों को उन्होंने फहराया है, वे सब उन्हें उनके ही रहे हैं, तरुण उन्हें नहीं ले। उधर तरुणों की मानसिकता कि वृद्धों का समय निकल चुका है, वृद्धों को सब छोड़कर तरुणों को सौंप देना चाहिए। प्रतिवेदन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर घटना या स्थिति विशेष ये प्रतिवेदन का प्रमुख है, यानी जिस घटना का वर्णन होना है ना, उसका स्थिति विशेष को लिखना होता है ना। मनोनीत प्रतिवेदक या गठित समिति की नियुक्ति, ठीक, सूक्ष्म निरीक्षण। प्रश्न 18 है, मीरा के पदों में प्रेम के मिलन और वीरा दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति है, सिद्ध कीजिए। तो मीरा जी के पदों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मीरा जी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, एक तरफ तो उसे मन ही मन बहुत ही प्रेम करती थी और उनके लिए दिन रात जो है पीड़ा सहती थी, रोते रहती थी, है ना, उनके यादों में। ठीक, तो यहाँ पर समर्पण का भाव है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में एक समर्पण छुपा हुआ है, और वीरह दोनों है, वीरह यानी दुख भी है क्योंकि कृष्ण जी को पाने के लिए वो बहुत ही मजबूर हो जाती है और अपने परिवार से भी उलझ पड़ती है ना, और परिवार के लोग उससे नफरत भी करने लग जाते हैं, उनके मनोदशा का सुंदर चित्रण है। अरुणा और चित्रा में यथार्थ कौन है, आदर्शवादी कौन है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तो अरुणा और चित्रा के व्यवहार में बहुत अंतर था, अरुणा चित्रा यथार्थवादी, चित्रा आदर्शवादी थी, चित्रा सदैव अपने कला में खोए रहती थी और उसे वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं था, चित्रा सदैव अपने चित्र के लिए मॉडल खोजते रहती थी, दुनिया में बड़ी सी बड़ी घटना घट जाए यदि उसमें चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो उसके लिए वह घटना महत्व नहीं रखती थी, परंतु अरुणा जो है वो कार्य क्षेत्र में संलिप्त रहती थी, समाज सेवा है, नाथों का सेवा करना है, यानी सामाजिक सेवा में संलिप्त रहती थी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देना है,
तो जन्म स्थल लिखना सबसे पहले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था और इनकी दो रचना है परिमल गीतिका भाव पक्ष। निराला जी मुख्यतः छायावादी कवि है, इनकी रचनाओं में रहस्यवादी और प्रगतिवादी है। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा के भी आप वैसे ही नोट कर लेंगे, लिख लीजिए दोस्तों, अगर गाइड होगा तो गाइड से भी पढ़ सकते हैं, ये आपके सहायता के लिए वीडियो बनाया गया है। अब बाकी जो क्वेश्चन आंसर है देखिए 20 से लेकर आगे तक का, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।